भारत एक संप्रभु देश है जिसमें हर जाति धर्म समुदाय का एक समान अधिकार है। यहाँ रंग नस्ल भाषा के आधार पर भेदभाव अपराध माना गया है। वर्तमान में जो संविधान है उसके मूल सिद्धांत तो यही कहते हैं, लेकिन इन दिनों भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की चर्चा भी तेज हो गई है। धर्म संसद की ओर से हिंदू राष्ट्र के संविधान का पहला मसौदा भी तैयार कर लिया गया है, जिसमें वाराणसी को राजधानी बनाने से लेकर भारत में रहने वाले मुस्लिम ईसाइयों को वोटिंग का अधिकार नहीं देने जैसे नियम शामिल किए गए हैं। संविधान का ये मसौदा वाराणसी में 30 प्रख्यात संतों और विद्वानों के समूह ने तैयार किया है। इस रिपोर्ट के जरिए हम जानेंगे कि हिंदू राष्ट्र के संविधान के पहले मसौदे में क्या कुछ शामिल किया गया है। सबसे पहले हम जानेंगे कि संविधान को तैयार करने वाले कौन लोग हैं। हिंदू राष्ट्र के संविधान को तैयार करने में मसौदा समिति के संरक्षक स्वामी आनंद स्वरूप, शांभवी पीठाधीश्वर और शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष कामेश्वर उपाध्याय, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता बीएन रेड्डी, रक्षा विशेषज्ञ आनंद वर्धन, सनातन धर्म के विद्वान चंद्रमणि मिश्रा, डॉक्टर विद्यासागर आदि शामिल हैं। संविधान के कवर पेज पर अखंड भारत का नक्शा दिखाया गया, जिसके माध्यम से ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो क्षेत्र भारत से अलग हो चुके हैं उनकी भी भविष्य में विलय हो जाने की संभावनाएं जताई गई हैं। इसके अलावा कवर पेज पर कुछ मंदिरों के ऊपर भगवा झंडा लहराते दिखाया गया है। संविधान को लेकर जानकारी देते हुए आनंद स्वरूप ने कहा कि मुस्लिम और ईसाई को बस वोट देने का अधिकार नहीं होगा, हालांकि आम नागरिक की तरह उन्हें भी सभी अधिकार मिलेंगे। स्वरूप ने कहा कि मुस्लिम और ईसाइयों को देश में व्यवसाय करने, रोजगार पाने, शिक्षा और आम नागरिक को मिलने वाली सभी सुविधाओं के लिए उनका स्वागत है। हिंदू राष्ट्र में सजा का प्रावधान क्या होना चाहिए? सजा के प्रावधान को लेकर बोलते हुए आनंद स्वरूप ने कहा कि ब्रिटिश न्याय प्रणाली को खत्म कर त्रेता और द्वापर युग के आधार पर दंड की प्रणाली को स्थापित किया जाएगा। वहीं गुरुकुल प्रणाली को फिर से शुरू करके आयुर्वेद, गणित, नक्षत्र, भू गर्भ, ज्योतिष में शिक्षा आदि की शुरुआत की जाएगी। इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।